प्रेजेंट बाय डीएससी लाइव कवरेज। मामी थाए देव नारायण को आशीर्वाद है। जय हो साहब। हमारे माड़बा में अब वो अपन ने फसल चेंज कर दी बोने में, तो अब हमें भगवान कहीं करे। हाँ, नहीं तो नारायण को आशीर्वाद है, कभी माड़वा में काल नहीं पड़ेगा। और माड़वो तो पार्वती को पियर है, रही साढ़ू माता को भी पियर है, यहाँ कमी तो कहीं बात की है ही नहीं। अन्न धन मोकड़ो है, घरे घर दूध को डेचाल है। देव की कृपा से सबके घर दूध फूत की बैल बढ़ रही है, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो नारायण भगवान के मंदिर जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, उनका भरोसा मन में रखना चाहिए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण वर्तमान पुरुषोत्तम, और देव नारायण को कलयुग में अवतार भी हो तो अना को राज है कलयुग में, ये तत्काल पुरुषोत्तम है मेरे बहन भाई। जो इनको ध्याएगा वो पाएगा, जागे सो पावेर सोवे सो खोवे। इसलिए देव के चरणों में प्रेम होना चाहिए, उन्हें तो बस प्रेम चाहिए। एक भजन में तभी तो कहा है, एक बार आवो रे नारायण माने पावणा। कौन कौन बुलाना चाहता है? अरे थारे भगत बुलावे बेगा, आवो नारायण लाड करा। जय हो जय हो। लाड करा
श्याम ये तमनी मन आशीर्वाद दे दियो। फिर मामी ने भी विचार करियो कि अब इनको मन है ही नहीं, तो मन तो मारो नहीं कह रही हो कि इनके आशीर्वाद दूं, पर अब देखो ये तो रीति है कि मामा के यहाँ भाने कचरा भी दन रहे, आखिरी में उन्हें अपने माता पिता की भौम पे जानो पड़े, क्योंकि वह सप्ताह कौन संभाले फिर, अगर सप्ता है तो जायदाद है तो जानो तो पड़ेगा, बाप की बहुम संभालनी तो पड़ेगी। मामी ने भी आशीर्वाद दे दियो, तो अब हम भी तुम सबसे आशीर्वाद मांगेगा कि शाम के 4 बजे से वहाँ पालडिया खेड़ी गांव है सुसने खुजनेर के पास में, वहाँ भी कलश यात्रा है और रात्रि 8 से 11 बजे तक वहाँ की कथा है, तो आप सब माने भी आशीर्वाद दीजिए जो टेम का निकल जाएगा। हाँ गोड़ी न चाट दांगा, टेंशन ही मत करो। मामी कहीं कह रही नी माने तो जा रे भाने जा रे रे आबे मारो या खरी सवाल जहो पामनो
देवनारायण भगवान ने लीलाधर बछेरा ने छचुभार जी के पास में सजवायो। भगवान नारायण छोटी मामी ने रोती राखी। उज्जैन नगर का सभी स्त्री पुरुष को भगवान देव नारायण ने सांत्वना दिलवाई कि नहीं आते जाता रहूंगा, ये मेरे मामा का देश है, मैं कोई आपसे अलग नहीं हूं, पर अब जाना तो पड़ेगा। जय हो। सब लोगों को दरबार ने मन राखियो। भगवान देव नारायण जसोई घोड़ा का पायड़ा पे पग धरियो। 980,000 गाय साथ में चाल धरी। 1444 ग्वाल है, काला गोरा भेरू शांत जे की महिमा अपरंपार है। और घोड़ा का पग नीचे चाले है कालो नाग। देव धनी दरबार नारायण भगवान चाल पड़ियो रे रंगीली गोट के माये पधारिया रे देव जी मालवा से। हाँ दूजी की गडराणा की रहने बिलवाड़ का भील। हाँ दूज गया। हाँ और मीना दूज गया चांदा रोहर का तुझी का गढ़ पिलोदा का तुम्हारे जो भी बगड़ावता से युद्ध करवा इच्छा भी सब थर 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 दूज गया। जय हो। देव नारायण भगवान कहीं अपना मालवा से रवाना हो जाबे। अब चालियो रंगीली कोटे कोट देवजी चालियो रंगी कोट Come on.
भगवान अपना मालवा से अषाढ़ सुदी पूनम का दिन रवाना होया था। अषाढ़ सुदी पूनम इनके 12 महीना लगा था वहां जाते जाते, क्योंकि गाय लेके गया था और पैदल पैदल पहला जाता था लोग बाग। यूं माता साड़ू के लिए पिंजस की असबारी थी, ना कन्या की भी थी, पर जैसा गाय माता आराम आराम से गई ऐसे गया था 12 महीना रुकता रुकता।